हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में लोग बात करने वाले हैं एजीसी के बारे में। ठीक है, एजीसी जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ठीक है, इसके द्वारा ऑटोमेटिकली गेन को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने का मतलब है कि इसको चेंज किया जा सकता है अपने अनुसार। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एजीसी क्या होता है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है और एजीसी क्या होता है और इसका जो वक्र आता है, जो इसका ग्राफ आता है, वो कैसा आता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एसीजी के बारे में। तो एसीजी एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा आउटपुट को कॉन्स्टेंट रखने के लिए, ठीक है, जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा उसको कॉन्स्टेंट रखने के लिए रेडियो रिसीवर के गेन को रिसीव किए गए सिग्नल के स्ट्रेंथ के अनुसार ऑटोमेटिकली चेंज किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो रेडियो रिसीवर का गेन होगा, ठीक है, वो रिसीव किए गए जो सिग्नल रिसीव किए होंगे हम लोग, उसकी स्ट्रेंथ के अनुसार ऑटोमेटिकली गेन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देन रिसीवर की जो सेंसिटिविटी होती है उसमें सुधार लाने की कोशिश करता है। जो एजीसी होता है उसका काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है कि जो रिसीवर की सेंसिटिविटी होती है उसमें सुधार लाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको गुड करने की कोशिश करता है। तो चलिए जानते हैं इसका सर्किट डायग्राम। तो एसीजी का सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, वेरिएबल नेचर का है। ठीक है, देन यहाँ पे एक कैपेसिटर है, देन यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से हम लोग को डिटेक्टर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है उसको सेंटर टैप करके यहाँ से दिया गया है एक माइनस वोल्टेज। ठीक है, माइनस वीसीसी वोल्टेज, निगेटिव वोल्टेज। और यहाँ पे एक डायोड है, डायोड डिटेक्टर। यहाँ पे डायोड जो होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। ठीक है, देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैपेसिटर है। तो यहाँ से जो हम लोग को सिग्नल मिलेगा वो एसीजी सिग्नल मिलेगा। ठीक है, इस एसीजी सिग्नल को हम लोग कहाँ पे देते हैं, आईएफ एम्पलीफायर। आईएफ एम्पलीफायर क्या होता है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर को हम लोग इस सिग्नल को देते हैं। तो यह होता है इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एजीसी के कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कैसा होता है। तो यह होता है इसका एजीसी का कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे देख सकते हैं इस एक्सिस पे आरएफ इनपुट है, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट है, और इस एक्सिस पे ऑडियो आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीनियर ग्राफ दिखाई दे रहा है इसमें क्या होता है, नो एजीसी, कंट्रोल की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा लीनियर होगा। जब लीनियर ग्राफ होगा तो नो एजीसी होगा। देन जब थोड़ा सा इसमें आएगा, यहाँ पे ग्राफ इस तरह से आएगा, तो इसको बोलते हैं डिलेड एजीसी। ठीक है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, डिलेड ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। देन जब बहुत ज्यादा इसमें आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंपल एजीसी, सिंपल ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। जैसे जैसे हम लोग मान लेते हैं जब नो एजीसी है, तो जैसे जैसे आरएफ इनपुट को हम बढ़ाएंगे वो ऑडियो का आउटपुट जो होगा वो बढ़ेगा। जो डिलेड एसी होता है उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग आरएफ इनपुट को बढ़ाएंगे इसका जो ऑडियो आउटपुट होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, यहाँ पे जाएगा धीरे से यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। देन इसका जो होगा, जो सिंपल एजीसी होता है इसमें क्या होता है, जब इसमें हम लोग आरएफ इनपुट को हम लोग बढ़ाते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो इसका जो ऑडियो आउटपुट होता है कुछ इस तरह से होता है, धीरे 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 इंक्रीज होता है। देन एक निश्चित ऑडियो पर यह कांस्टेंट हो जाता है। तो यह होता है एजीसी का कैरेक्टरिस्टिक। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा एजीसी के बारे में, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल के बारे में। ठीक है, यह कुछ नहीं होता है, सिर्फ गेन को कंट्रोल करता है। गेन को कंट्रोल करने का मतलब है कि यह अपने अनुसार हम लोग गेन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक गेन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यह होता है एजीसी। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा एजीसी के बारे में।
तो वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो हमारा वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाना चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।